गुरदासपुर के बटाला में गुरु नानक नगर के गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर से मिले प्रसाद को खाने के बाद एक बच्चे की हुई मौत और बीमार हुए बच्चों की संख्या बढ़कर 27 के करीब पहुंच गई है। इन बीमार बच्चों को सिविल अस्पताल बटाला में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सबके बाद प्रशासन हरकत में आया और इन बच्चों का हालचाल जानने के लिए जिला गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर और हल्का बटाला के MLA लखबीर सिंह लोधी नंगल सिविल अस्पताल पहुंचे। गुरुद्वारा साहिब से मिले प्रसाद को खाने से बीमार हुए बच्चों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचे MLA लखबीर सिंह लोधी नंगल ने कहा कि इस घटना की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल ने जहां बच्चों का हालचाल जाना, उन्होंने कहा कि बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को हिदायतें दे दी गई हैं और पुलिस प्रशासन को भी कड़ी तफ्तीश करने के लिए कहा गया है। गुरदासपुर से जाट टीवी न्यूज के लिए रशपाल सिंह की रिपोर्ट। एक मंगलवार की घटना हुई है कि काफी सारे बच्चे जो हैं कॉलोनी में बीमार पड़े हैं, कुछ एडल्ट्स भी हैं जो बीमार हुए हैं। मेन जो स्टाफ जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो पता चल रहा है, वो पता चल रहा है कि कल शाम को उत्थे एक गुरुद्वारा साहब हैं जिते कि बच्चे डेली जाते भी सके, उत्थे डेली पाठ पूट करने वास्ते सीखने वास्ते जाते सके, उत्थे कुछ उन्होंने प्रसाद वगैरह खाया जो इनिशियल उस तो पता चल रहा है, वो करके प्रॉब्लम जी है वो आई हैगी। लगातार इन्वेस्टिगेशन जी है वो जारी हैगी। पहला फोकस जो सागा वो हैगा कि जो भी बीमार हैं बच्चे उन्होंने प्रॉपर इलाज किया जाए। हूँ मेरी अपने सिविल सर्जन साहब नाल गल हुई है, करीब तकरीबन 27 बच्चे साढ़े को इस वे एडमिट हैं और सारे की सिचुएशन जी है वो स्टेबल हैगी। अनफॉर्चुनेटली एक डैथ जी कैजुअलिटी जी है वो हुई है इस जिसके वास्ते असं काफ़ी दुखी हैं। एक बहुत दुर्भाग्य वाली गल है, बहुत माड़ी गल है। छोटे फुला वर्गे बच्चे ने और किवें वापरी है, क्यों होया ये बारे सारी पुलिस ऑफिसर आए ने मौके पर, SSP डिप्टी कमिश्नर साहब पूरी डिंगाई के नाल इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इन्वेस्टिगेशन तो बाद ही पता लगेगा कि इसका काज की है, क्यों ऐसा होया।